Hello everyone, this is Aditya Keshavani. Welcome to my YouTube channel Sapien Tutorials. So Isar TVM का application form integrated PhD student के लिए release हो चुका है. Physics student, chemistry student, maths and bio also. यहाँ पे eligibility criteria क्या क्या है, कितनी rank तक की student को बुलाता है, interview related question, ये जितना भी ये topic है इसके बारे में आपको बता दो. सबसे पहले फिजिक्स वाले स्टूडेंट को ये कहूँगा कि अभी उनका क्या है कि बेसिकली वो जस्ट के रैंक के बेसिस पे लेंगे. तो अभी फिजिक्स वाले स्टूडेंट को मोस्ट प्रोबेबली नहीं ले रहे हैं, वो क्या है कि उनका अभी वो वेट करेंगे. बेसिकली केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो का हो जाएगा, देन उसके बाद क्या है कि एक बार वापस से पोर्टल ओपन होगा जब फिजिक्स स्टूडेंट का जिसका पेपर हो जाएगा, देन उसके बाद से उनका इंटरव्यू वगैरह होगा. तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी में क्या क्या क्राइटेरिया. साथ ही साथ जैम रैंक कट ऑफ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ की. अगर मैं एक जनरल आइडिया आपको देता हूँ तो लास्ट ईयर का जो केमिस्ट्री की अगर स्पेशली बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में 1000 रैंक अगर आपका है तो आप अप्लाई करो, क्योंकि मेरे फ्रेंड का 900 रैंक था उसका, तो उसको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया था. साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमने अपने चैनल पे बेसिकली दो इंटरव्यू कवर किए हैं जो दोनों मेरे फ्रेंड जो है वो इस समय एज ए टीवीएम में इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे. एक स्टूडेंट का ऑर्गेनिक, मतलब उसका फील्ड ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट था, एक का फिजिकल था, तो उससे रिलेटेड किस टाइप के चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसको देख सकते हो. जनरल आइडिया लग जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे क्या क्या चीज़ें होती सारी आपको पता चल जाएंगी. आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. अब मैं डायरेक्टली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म पूरा फिलअप करके दिखा देता हूँ. गलतियाँ मत कर देना, मे भी थोड़ा इशू चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो मे भी शायद मेल वगैरह का रिप्लाई मे भी ना टाइम पे आ पाए, तो प्लीज़ गलतियाँ मत करना. मैं एक एक स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ, ठीक है. मैं ओपन करता हूँ पोर्टल डायरेक्टली. तो यहाँ पे मैंने एज ए टीवीएम को ऑफिशियल साइट पे ओपन किया. आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम इस ठीक है एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट थ्री सेमेस्टर विल कंसिस्ट ऑफ फोर एंड इलेक्टिव कोर्सेज. ये सारी चीज़ें आप अपना देख लो, ठीक है. एंड फोर सेमेस्टर आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें. देन उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री, सपोज आपका बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल स्कूल अंडर 10+2+3+4 सिस्टम, ये ठीक है. उसके बाद क्या, कैंडिडेट एडमिटेड टू स्कूल ऑफ फिजिक्स मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर इन जस्ट. बेसिकली वो जस्ट के बेसिस पे ही लेंगे. फिर उसके बाद देख लो द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम इज 55% मार्क्स और 6 CGPA आउट ऑफ 10 इज बैचलर डिग्री, ठीक है. किसी का अगर 6 CGPA प्लस है तो हो जाएगा, अगर परसेंटेज सिस्टम चलता है तो मिनिमम 55% रहेगा. देन रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल. बेसिकली अगर SC ST स्टूडेंट हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आपका 50% है तो भी आप एप्लीकेबल. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, विल बी कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट आपका हो गया, एंड दोज शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट विल अपीयर फॉर इंटरव्यू होगा इन द स्कूल ऑफ फिजिक्स कैंडिडेट विद, ठीक है, ये तो हमने देख लिया. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम आप देख सकते हो, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द इंटीग्रेट 14 से, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 साल का इंटीग्रेटेड PhD कोर्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है. फेलोशिप की बात करते हैं तो देखो अभी आप एडमिशन लोगे तो सब आपको स्टार्टिंग का जो 2 ईयर होता है 10,000 पर मंथ मिलता है अंटिल द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क, ठीक है. आफ्टर क्लियरिंग द कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इट विल बी मेड इक्विवेलेंट ऑफ दैट टू UGC. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम वहाँ भी होता है जिसमें आप PhD के लिए आगे एनरोल होते हैं, ठीक है. द स्टूडेंटशिप विल बी द स्टूडेंट्स विल बी पेड फॉर मैक्सिमम 14 सेमेस्टर इंक्लूडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब ये सारी चीज़ें अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे आपको पूरा फिलअप करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे हमने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन आ जाएगा आपको, इंटीग्रेटेड PhD एडमिशन, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना. तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद क्या, जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे स्पेसिफिक अगर केमिकल साइंस की वही जनरल एलिजिबिलिटी है, ठीक है. बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए देख सकते हो द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड आइदर जैम 2021 BT ओनली और ये आपका ये वाला एग्जाम, ठीक है. एंड देन उसके बाद देख लो केमिकल साइंसेज, ये सारी चीज़ें आपका केमिकल साइंस की बात करूँ तो कैंडिडेट्स
shortlisted will be required to appear for one or two round of online interview, but यहाँ पे also mention है shortlisted candidate with JAM 2020 जिनका देखो JAM qualified है उनके लिए सिर्फ एक round का interview का, जो without JAM के लिए without JAM score card के बिना भी apply करते हैं उनको दो round का interview होगा। physical science वाले का अभी कुछ यहाँ पे given नहीं, आज ही form आया, last date आप 26 June है ठीक है, और chemical sciences की last date जो है वो क्या है, नहीं इंटरव्यू की डेट है आपको 6 जुलाई का आपका, नहीं 9 जुलाई का आपका इंटरव्यू होगा, मैथमेटिकल वाले देख लो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट अपीयरिंग का, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल वगैरह प्लीज गलत मत डाल देना, मैं पूरा रजिस्टर करके आपको दिखाता हूँ एक एक प्रोसेस, प्लीज यहाँ पे ईमेल आप गलत मत डाल देना। वहाँ पे मैंने रजिस्टर कर लिया, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा, एक्टिवेशन के लिए मेल पे जाएगा, उसके लिए शायद आपको 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, मेल पे वो 5-10 मिनट बाद आ रहा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। उसके बाद जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो आप देख सकते हो एप्लीकेंट नेम वगैरह, DOB एड्रेस, मोबाइल, टेलीफोन नंबर, अपना कैटेगरी जो भी EWS हो, तो ये सारी चीजें हैं एकेडमिक रिकॉर्ड में। इफ योर मार्क्स आर नॉट इन 10-point scale कन्वर्ट टू 10-point scale, मार्क इन 10-point scale, ऑप्टेन मार्क 10 में आपको ओवरऑल मार्किंग करनी है ठीक है। यहाँ पे जैसे हायर सेकेंडरी पे आ जाएगा रहा है, क्वालिफाइंग डिग्री में आप देख लेना, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अपना डाल देना, स्टेटस 20 जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो डाल देना, स्टेटस में यहाँ पे क्या है अपीयर डाल देना अगर BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट हो ठीक है। रिजल्ट में क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम इन केस ऑफ अपीयर रिजल्ट टिल द लेटेस्ट सेमेस्टर आपका रिजल्ट टिल द, आपको फिफ्थ सेमेस्टर तक का आपका, अगर फोर्थ सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो फोर्थ सेमेस्टर को ओवरऑल फोर्थ सेमेस्टर तक का रिजल्ट आप अपना क्या कर लेना, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेना और देन एंटर कर देना। देन के स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन डिटेल, यहाँ पे आप अपना जो भी आपका वो हो स्क्रीन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है वो अपना डाल देना ठीक है। उसके बाद की चीजें आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जीमेल इज प्रेफर्ड फॉर रेफरेंस ईमेल एज अदर नेम एड्रेस फिल एस टू रेफरी, आपको किसी भी अपने दो रेफरेंस देना, किसी का भी दे देना, कोई भी अपने फ्रेंड का नाम वगैरह एड्रेस उसका फोन नंबर ईमेल डाल देना ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स और गार्जियन नेम एड्रेस फोन नंबर इतना डाल के उसके बाद क्या है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एज अ टीम रिजर्व द राइट टू इम्पोज एडिशनल कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग, वो डायरेक्टली बताते नहीं कि आपको कितने रैंक तक वाले, लेकिन ये मेरा मतलब मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस, उसने भी मतलब मैंने भी देखा है कि 1000 रैंक तक के स्टूडेंट को कॉल आता है ठीक है। ये सारी डिटेल भर गई, अब आगे मैं प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट स्टेप हमने अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिए, सेकेंड स्टेप में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे आपको क्या है फोटो अपना, फोटो कोई भी अपना अपलोड करना है देख लेना, 500 KB से लेस होना चाहिए एंड JPG फाइल ये सारी देख लेना, देन अपना सिग्नेचर, देन डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आप अपना 10th का मार्कशीट दे सकते हो यहाँ पे ठीक है, अपलोड DOB प्रूफ यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद हाई सेकेंडरी लेवल मार्कशीट अपना वो दे देना, मार्कशीट दे देना, बैचलर्स की मार्कशीट दे देना यहाँ पे लिखा है ठीक है। इफ यू आर इन फाइनल ईयर एंड द रिजल्ट आर नॉट येट आउट, अपलोड द मार्कशीट ऑफ द लेटेस्ट सेमेस्टर ठीक है, आपके पास जो भी लेटेस्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देना। Those who opt for chemistry can skip the following section. Proof for qualified national level examination. यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट करना, चूज फाइल यहाँ पे आप अपना क्या दे सकते हो, जैम स्कोर कार्ड दे के अपलोड कर देना। देन थर्ड स्टेप क्या है, पेमेंट 500 rupees यहाँ पेमेंट लग रही, प्रीव्यू करना है, देन फाइनली सबमिट कर देना ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, उतना हो जाएगा ठीक है, इतना आई थिंक सफिशियंट होगा। लास्ट में बस एक बात यही कहूंगा, प्लीज सारी स्टूडेंट को यही कहूंगा कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, कोविड के सिचुएशन रियली बहुत खराब है, मेरी तबीयत खुद ऑलरेडी खराब है इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अभी तक कभी कभी मुझे भी लगता है इतना नॉर्मल उतना नहीं है, लेकिन अभी जब मेरी भी तबीयत खराब होगी तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो, बहुत सिचुएशन खराब है, लिटरली बहुत सिचुएशन खराब है ठीक है। और जो भी हो आप अपना अच्छे से पढ़ते रहो, साथ ही साथ आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर किसी को कुछ डाउट होता है आइजर टीवीएम में तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हो, दो स्टूडेंट है जो आइजर टीवीएम में इस समय प्रेजेंटली है, तो अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप उधर से हो सकते हैं आपका ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक आप आराम से पूछ सकते हो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।